हरे कृष्णा। ईरान में 2014 की बात है। बिलाल ने खुली सड़क में सरेआम दिन में अब्दुल्ला को मार डाला और जब पुलिस ने उसे पकड़ा और उसे कैद कर लिया तब ये डिसाइड हुआ कि अब इन्हें फांसी की सज़ा मिलेगी। बट इसमें एक बात थी कि अगर अब्दुल्ला के परिवार वाले उसे माफ़ी दे देते तो वो फांसी की सज़ा से बच जाता। अब्दुल्ला की जो माँ थी वो रहकर भी सोच सोच कर भी वह बिलाल को माफ़ नहीं कर पा रही थी अपने मन में, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी कि क्योंकि उन्होंने अपने एक जवान बेटे को खोया था। उनके मन में बहुत गुस्सा था बिलाल के प्रति, बहुत नाइंसाफ़ी की भावनाएं थीं, बहुत दुख था और वो उससे बाहर नहीं निकल पा रही थी। तो उन्होंने ये सोचा कि अब वो उसे माफ़ नहीं कर पाएगी। कुछ दिनों बाद उनके सपने में अब्दुल्ला आए और अब्दुल्ला ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं बहुत अच्छी जगह पर हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। फिर भी अब्दुल्ला की माँ उस बात पर निर्णय नहीं देना चाहती थी कि वह उसे माफ़ कर रही थी बिलाल को। तो वो दिन आया जब बिलाल को फांसी की सज़ा थी और ईरान में यह एक पब्लिक डेमोंस्ट्रेशन की तरह होता है कि एक पब्लिक में फांसी दी जा रही थी। तो वहाँ पर बहुत लोग इकट्ठे हुए थे और जो लोग इकट्ठे हुए थे उनमें बिलाल की माँ भी खड़ी थी और बिलाल की माँ खुद बहुत दुख से बहुत पीड़ित थी, क्योंकि उन्हें रह रहकर ये वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, वो ये सोच भी नहीं पा रही थी कि उनका बेटा उनके सामने बिलाल को फांसी की सज़ा मिलने वाली है। तो वो बहुत ज़्यादा अपने भगवान से प्रार्थना कर रही थी। समय आया, बिलाल को पेश किया गया, उसे एक कुर्सी पर खड़ा किया गया और उसे एक काला कपड़ा लगाया गया और उसके गर्दन में फांसी डाली गई। अब बात ये थी कि अब्दुल्ला के जो माँ बाप थे उनको ये मौका था कि वह बिलाल की जो कुर्सी है उसे हटाएंगे जिससे बिलाल को फिर फांसी लग जाएगी। तो अब्दुल्ला की माँ बहुत कॉन्फिडेंस से पूरे दृढ़ निश्चय से बिलाल की तरफ जा रही थी, लेकिन बीच बीच में उनकी नज़र बिलाल की माँ की तरफ भी पड़ी, जो बहुत दुख में और बहुत ज़्यादा बहुत भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उनका बेटा कैसे तो भी बच जाए। अब्दुल्ला की माँ को पूछा गया कि क्या आप बिलाल को अब माफ़ करेंगी, तो उन्होंने माइक पर कहा कि नहीं, मैं बिलाल को बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगी। और वो बिलाल के पास गई और कुर्सी हटाने के बजाय उन्होंने जाकर एक ज़ोर का थप्पड़ बिलाल को मारा और उसे फिर कहा, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ क्योंकि तुमने मेरे बेटे को मारा है, लेकिन मैं तुम्हारी माँ को इस पीड़ा में नहीं देख सकती। और फिर उन्होंने बिलाल को छोड़ा और उस पूरे भीड़ में जाकर वो बिलाल की माँ के पास गई, उन्हें गले से लगाया और वो दोनों माएँ खूब रोईं। एक माँ इस दर्द से रो रही थी कि मैंने अपने बेटे को खोया है और दूसरी माँ इसलिए रो रही थी कि मेरा बेटा बच गया है, लेकिन ये अब्दुल्ला की माँ, इनका हृदय कितना बड़ा है कि इन्होंने मेरी पीड़ा समझी। ऐसे ही हमारे श्रीमद् भागवतम में, महाभारत में एक ऐसे ही बात का वर्णन है। द्रौपदी ने अपने पांचों बच्चों को खोया था, अश्वत्थामा ने उनको मार डाला था रातों रात। अब अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने लेकर आया गया और द्रौपदी और सब लोग ये चर्चा कर रहे थे कि अब क्या करना है। कई कह रहे थे कि नहीं, ये द्विज है, ये ब्राह्मण पुत्र है, हम इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। कई कह रहे थे नहीं, इसे मार ही डालना पड़ेगा। तो ऐसे कई बातें हो रही थी वहाँ पे और द्रौपदी बहुत दुखी थी। द्रौपदी ने कई बातें कहीं, उनमें से एक बात उन्होंने ये कही कि आप अश्वत्थामा को मत मारिए। और कई सारे रीजंस में उनका एक रीज़न था कि मुझे जो पीड़ा हो रही है मेरे पांचों पुत्र को खोकर, मैं वही पीड़ा कृपी अश्वत्थामा की जो माँ है उनको नहीं दे सकती,
मैं मेरी पीड़ा को समझ रही हूँ कि मुझे कितना दुख हो रहा है, कितनी तकलीफ हो रही है मेरे बच्चों को खाकर। मैं उसी पीड़ा में कृपी को नहीं देख सकती, इसलिए अश्वत्थामा को आप लोग मत मारिए। तो फिर पांडव मिलके निर्णय करते हैं और कुछ ऐसा करते हैं कि पनिशमेंट भी हो जाए और मारना भी ना पड़े। तो ये जो कथाएं हैं, ये कथाएं नहीं हैं, ये रियल लाइफ स्टोरीज हैं। ये एक कथा तो 2014 की है, ईरान में, और यह द्रौपदी के बारे में है, महाभारत के बारे में है। इन स्थितियों में दो माएँ थीं जिन्होंने अपने बच्चों को खोया, और दो माएँ थीं जो अपने बच्चों को खो सकती थीं। लेकिन ये जो दोनों माएँ हैं, इन्होंने अपने दर्द को बहुत अच्छे से समझा और पहचाना, और उसे गुस्से में परिवर्तन ना करके, उसे प्रेम में परिवर्तन करके वे क्षमाशीलता की ओर जा सकी। एक ने बिलाल को क्षमा किया और दूसरे ने अश्वत्थामा को। तो दोस्तों, हम जब हमारे दर्द को, हमारी व्यथा को अच्छे से समझते हैं, तो चाहे हमारे साथ किसी ने कैसा भी बर्ताव ना किया हो, हम यह जानते हैं कि हमारी व्यथा जो है कितनी असहनीय है, और वो व्यथा किसी और से बदला लेने से तो नहीं जा सकती है। और इसलिए हम दूसरे को और व्यथा में क्यों डालें, क्योंकि हमें बदला लेना है। तो तब हम में क्षमाशीलता का भाव आ सकता है। तो क्षमाशीलता के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो है कि पर दुख दुखी, जब हम किसी और के दुख को भी समझ सकें और उसे समझते हुए हम हमारे जीवन में निर्णय लें। तो यह पर दुख दुखी जो है, ये हमें क्षमाशीलता की ओर ले जाता है। तो आइए हम सब अपने दुख को समझें, अपनी व्यथा को समझें, अपनी गलतियों को जानें, और ये जानें कि दूसरे भी उसी स्थिति में हैं, उसी कंडीशन में हैं, और हम सब मिलकर क्षमाशीलता की ओर बढ़ें। हरे कृष्णा।